जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों मार्केट बंद हो गया 3:34 और कल का व्यू दे देता हूँ। आज ही 3:34 हुई है, मार्केट अभी भी बंद हुआ है। लेट अस फर्स्ट चेक द चार्ट और मुझे दिखाई दिया अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ। सो डोंट वरी, मार्केट कल 100 से 120 पॉइंट पक्का है ऊपर, 120 पॉइंट्स प्लस। और इसका कारण बता रहा हूँ अभी आपको, एक तो मैंने ग्रुप में भी डाल दिया था लेकिन मुझे ये अंदाज़ा तो था कि 590 के नीचे क्लोज नहीं करेगा, लेकिन 615 के ऊपर क्लोज करता तो कल खुलता ही तेज। लेकिन कल तेज नहीं खुलेगा दोस्तों, थोड़ा सा डाउन मूवमेंट खुलेगा, लेकिन कल मार्केट बहुत तेज होगा, ये आप मान के चलिए। कल मार्केट बहुत ज़्यादा तेज होगा क्योंकि 590 के नीचे क्लोज नहीं किया, पहली बात। दूसरा कि 615 के ऊपर भी क्लोज नहीं किया। देखिए ये मैंने कब पहले लिख दिया था अपने फॉलोअर्स को, क्योंकि मुझे सेफ्टी लेके चलना पड़ता, आप लोग को ऐसा नहीं लिख सकता हूँ। 251 PM पे, 251 पे कि टुमारो निफ्टी विल क्लोज अबाउ 11,707 एटलीस्ट, और बैंक निफ्टी भी कल 30,800 क्रॉस करेगा, ऐसा मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। लेकिन ये मेरे पर्सनल जो भी मेरे जो ट्रेनीज हैं उनको दिया हूँ मैं, ये 251 पे लिख दिया था मैंने, इसलिए लिख दिया था कि मुझे पता था कि 590 के नीचे क्लोज नहीं होगी, लेकिन वो कंफर्म नहीं है कि तेजी कल इतनी बड़ी होगी। लेकिन अभी जो चार्ट देखा हूँ मैं, जस्ट ये देखिए अभी जो चार्ट बनाया आज की क्लोजिंग क्या आई है देख लेते हैं। 596 की क्लोजिंग आ गई है, 596, तो हम 90 के नीचे निकले। अब देखिए दोस्तों, यही वो ट्रेंड लाइन थी जिसको मैं दिखा के आपको बता रहा था कि मार्केट ख़राब नहीं है। आज इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी, आप देखिए फिर से एक रेड कैंडल बनी है, लेकिन आप अगर मैं इस लो को टच करूं और ये ट्रेंड लाइन को आगे ले जाऊं, तो देखिए जस्ट सपोर्ट पे आज लो बना है। तो आज बियर्स को फिर से, मैंने जैसे कल बोला था आपको आफ्टर मार्केट हाउस की क्यों बिकवाया, कि आज बियर्स को ऐसा लगने लग जाएगा कि मार्केट अब उनके कब्जे में आ चुका है, लेकिन कल वापस बड़ा धोखा होगा और कल बियर्स एवरी राइज पर शॉर्ट करना चालू करेंगे, और ये मार्केट मुझे ऐसा लगता है यहाँ से 12,300 के ऊपर रुकेगा टिल अगस्त, या 12,400 के ऊपर तक जाएगा, कंटिन्यूस तेजी रहेगी। अब ये मैं आपको बोल रहा हूँ क्योंकि आज बियर्स का माइंडसेट भी क्लियर हो गया कि नहीं ये तेजी नकली है, 700 पे रेजिस्टेंस आता ही है। तो कल मैं बोल रहा हूँ कल सीधा 700 के ऊपर ही क्लोज होगा मार्केट, ये मैं एडवांस में बोल रहा हूँ आपको, लेकिन ये मेरे पर्सनल व्यूज़ है बॉस, ये इस पर आप भरोसा नहीं भी करो तो भी चलेगा। 700 के ऊपर कल ये जो रेजिस्टेंस जो दिख रहा है जहाँ पे हम क्लोज नहीं कर पाए कल, इसीलिए मैंने, मुझे लग रहा था कि ये कल जब ये ट्रेंड लाइन बनाया था तो ये क्लोजिंग जो थी बिलो 700 थी, तो मुझे कल इसीलिए मुझे लग रहा था कि आज 700 के ऊपर क्लोज नहीं करेगा, तो आप लोग माल एटलीस्ट बुक कर लीजिए, क्योंकि अगर कल ये 700 के ऊपर क्लोज कर देता तो आज तो मार्केट नीचे का नाम ही नहीं था, आज मार्केट नीचे आने का नाम ही नहीं लेता। तो एक छोटा सा व्यू दे रहा हूँ आपको कि कल 700 के ऊपर भी क्लोज आएगी, कुछ भी बैड न्यूज़ हो वो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मार्केट बिना बैड न्यूज़ के इतना नहीं गिर सकता, कुछ ना कुछ पर्टिकुलर न्यूज़ होगी, स्पेशली ट्रंप वाली होगी, या फिर जो PSU दो बैंक्स में अभी लफड़ा है, इलाहाबाद में और PNB में नया, वो भी एक कारण था। और इंफोसिस का आप लोग को बता ही दिया मैंने, 773 रीटेस्ट होगा, जैसे मैंने आप लोग को बजाज फिनसर्व बताया था, जैसे मैंने SBI बताया था, वैसे ही इंफोसिस भी बता रहा हूँ। तो ये आज बिल्कुल ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, ये ट्रेंड लाइन देखिए कितना इंपॉर्टेंटली काम किया, अभी तक ये चैनल में मार्केट है, कल एक बार इस चैनल के ऊपर जरूर गया था मार्केट, लेकिन आज फिर से चैनल, तो कल मुझे लगता है कल इतनी बड़ी वाइट कैंडल बनेगी और इसके ऊपर बंद होगा। टुमारो बिग बुलिश कैंडल आई एम एक्सपेक्टिंग, क्योंकि अगर ये 590 के नीचे बंद करता तो रियली मैं सोचता था कि मार्केट गया। तो ये ट्रेंड लाइन मेरी अभी तक इंटैक्ट है दोस्तों। तो जय भोलेनाथ, जय हिंद। आज रात को एक और वीडियो बनाऊंगा, ये बस टेम्पोररी व्यू ताकि आप लोग शांति से घर जाओ। और देखिए मैंने इतना कल भी आप लोग के लिए सोचा, दिन भर आपको तेजी भी करवाया और 2:50 पे बोल भी दिया कि भैया एक बार निकल जाओ सब, क्योंकि मुझे कल, क्योंकि 700 के ऊपर कल बंद नहीं करने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए मुझे एक कारण था। दूसरा, बियर्स को ट्रैप करने के लिए आज की रैली जरूरी थी मंदी की, तो इसलिए मैंने सुबह ही 620 लिखा लेवल, जबकि कल हम 687 क्लोज किए थे। तो एनीवे, जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। जिसको समझ में आए वो लाइक कर देना, जिसको नहीं समझ में आए, जय श्री राम।